हाउ आर यू बच्चा? आज आपने सैलून में क्या किया? बस बेटा मैं पूछो, आई एम गॉट रियली टायर्ड। आप लोगों ने होमवर्क कर लिया आपने? भैया कहाँ? भैया रूम में। अच्छा जाओ भैया को बुला के लेके आओ। बैग पैक कर लिए ना सारे? जल्दी पैक करके आओ, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए बच्चा। हेलो मॉम, कैसा गया आज आपका दिन? हाय बच्चा, मेरा अच्छा गया दिन। प्रीति आई थी? हाँ जी प्रीति जी आई थी। इधर खाना बना भी? हाँ जी। थैंक गॉड, छुट्टी करते रहते जब देखो 24 घंटे। आप ट्यूशन नहीं गए? नहीं ट्यूशन नहीं गया मैं आज, क्योंकि सब मुझे दिल्ली दिल्ली करके बुलाते रहते हैं। दिल्ली दिल्ली करके बुलाते रहते हैं? मम्मा दिल्ली तो करके बुलाएंगे ही, खाना जो नहीं खाया आज। आज भी खाना नहीं खाया तुमने? खाया मॉम मैंने, खाया। झूठ बोल रही है, मैं पागल हूँ क्या? झूठ बोल रही है मम्मी, झूठ बोल रही है। प्रीति दी आज इसकी ओट मील बना के गई थी, इसने वो नहीं खाई, चिप्स खा रही थी ये। तुम चिप्स खा रही थी परी? मैंने तुम्हें मना किया ना चिप्स खाने के लिए। मैं क्या करूं तुम दोनों का, एक को तिल्ली तिल्ली बुलाते हैं दूसरे को परी। तुम्हें कितनी बार मना किया मैंने, तुम्हें अपनी डाइट पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, ओवर ईटिंग करते हो बेटा। डांस टीचर आएगी, आपने आपने प्रिपरेशन कर ली? अभी भी अभी नहीं कपड़ों में? मॉम नो, मेरे पैर बहुत दर्द हो जाते हैं। पैर में से फैट बर्न होता है ना बेटा, ऐसे थोड़ी होगा। क्या करोगे बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। आप आगे लाइफ कैसे स्पेंड करोगे? आप और फैट हो जाओगे ऐसे तो। और तुम लोग बोलते हैं मुझे कि तुम अपने बेटे को खाने के लिए नहीं देती हो, तुम मेरे बच्चे ही लगते दोनों के दोनों। अरे तुम खन्ना अंकल के बेटे को देखो, कितना हेल्दी है, कितना अच्छे से सारे काम करता है। और तुम अभी अपना पूरा डाइट पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है, ऐसे बेटा कोई काम नहीं चलेगा। ना हाइट लंबी होगी ना कुछ होगा। लोग तुम्हें देखे माल न्यूट्रिशन समझते हैं कि इसको माल न्यूट्रिशन है कि क्या है। और तुमको ओबेस हो जाओगी, कोई लड़का नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो अभी जाओ सिटअप्स करके आओ जाओ। परु बेटा कहाँ जा रहे हो, बैठो उधर। इतना सैड क्यों? पापा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? डांस क्लास मम्मा इतनी देर करवाती है इसलिए। बेटा मम्मा के खुशी के लिए चले जाओ। पापा बट भैया ने भी तो कुछ नहीं खाना, वो ट्यूशन गए। इतनी एक्सपेंसिव ट्यूशन लगाई है, गर बैठो उधर। अरे बैठो, ये बताओ ट्यूशन क्यों नहीं गए? पापा क्या? पापा ट्यूशन क्यों नहीं गए पूछ रहा हूं, बताओगे? गर पापा सब मेरा ट्यूशन में मजाक उड़ाते रहते हैं, दिल्ली दिल्ली करके बुलाते। तो तुम हो ही दिल्ली, खाना तो तुम्हें खाना नहीं होता, ना पढ़ना है, पैसे के पेड़ में उगते। पापा आज ही मम्मी ने जोर से मुझे खाना खिला दिया, वॉमिटिंग आ गई थी मुझे। तो बेटा तुम वैसे तो खाते नहीं हो, ना पढ़ना होता है तुम्हें, तो मम्मा जबरदस्ती तो कहेंगी? पापा भैया सही बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ खाने को नहीं मिलता और भैया को इतना मिलता है कि उनका वॉमिट हो जाती है। ये घर में इतनी लाइटें क्यों जला रखी है? चलो बंद करो और किताबें खोल के बैठो, नहीं पढ़ना ना तुम्हें, ट्यूशन नहीं जाना, आज से मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। चलो कशिश। क्या है वीरेन, इतना क्यों चिल्ला रहा है? कशिश तुम्हें होश भी है? घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैंने मेडिसिन ली है अभी। घर ट्यूशन नहीं गया, वो अपनी डांस क्लासेस मिस कर रही है और घर में 3 बार लाइटें जली पड़ी। घर ट्यूशन नहीं गया तो उसकी ट्यूशन वाली को मुझे रोज कॉल आते ही है, परेशान हो चुकी हूँ। अब कल जाऊंगी उससे बात करूंगी कौन बच्चे से चिढ़ा के। अब मुझसे सिक यार, अभी तुम्हारी माँ के पास होके आई हॉस्पिटल में, ऊपर से तुम्हारी बहनों ने मुझे दुखी कर रखा है, और परी परी से तो खुद परेशान हूँ, ऊपर से तुम मुझे आ गई यहाँ पे चिल्ला रहे हो। तुम कभी मुझे सही मत समझना, ना तुम्हारी माँ समझेगी ना कोई और समझेगा। पूरा दिन पहले मैं सलून में बिजनेस में बैठी रहती हूँ, अपने पैर तोड़वाती हूँ, उसके बाद तुम्हारी माँ, उनकी देखभाल करती हूँ, घर आती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, और ऊपर से तुम चिल्ला रहे हो। फिर तुमने रोना स्टार्ट कर दिया। परु बेटा इतनी तबीयत खराब है मेरी, तुम वो भी घर आते हो मुझे चिल्ला रहे हो, एक बार भी पूछा? और तुम इस परु को खाना भी नहीं देती? हाँ मैं परु की दुश्मन हूं ना, मैं देखा तुम उसका कितना हो गया, अपने लिए करती हूँ क्या मैं सब? मैं उसकी माँ उसका भला चाहती हूँ, अभी से उसके इतना वेट बढ़ गया तो आगे जाके कैसे चलेगा? अभी से उसे थोड़ा बहुत काम आएगा तभी तो आगे जाके करेगी, एकदम से कर लेगी क्या वो? तुम पानी तो पियो, पानी पियो। मैं दुश्मन हूँ तुम तो उसकी, पानी पियो। और परु बेटा आप बड़े हो गए हो ना, जो भी मम्मी काम करती है मम्मा की हेल्प कराया करो हर काम में। पापा मम्मा तो कोई काम ही नहीं करती,
करती है। हाँ सारा प्रीति दीदी करती है, जो अभी यूटेंसिल क्लीन होंगे कौन करेगा, प्रीति आगे करेगी। तुम्हें बेटा सुबह स्कूल के लिए कौन उठाता है, प्रीति उठाती है। तुम एक काम करो, तुम और तुम्हारे बच्चे और प्रीति रहो अकेले। कशिश कुछ करती नहीं है। कशिश अब से तुम पढ़ाई भी करोगे और अपनी डांस क्लास भी जाओगे, और तुम खुद भी पढ़ोगे और इसे भी पढ़ने बैठाओगे डेली, और आप मम्मा को कभी परेशान नहीं करोगे। और पढ़ो बेटा, आप तो लड़की हो ना, मम्मा जो भी काम करती है आप उनके साथ हेल्प कराया करो, ना कि पीछे से जवाब दिया करो कि मम्मा तो कुछ करती नहीं है, प्रीति आंटी करके जाती है। बेटा मम्मा नहीं करती तो कौन करती है? अगर मम्मा और मैं काम ही ना करें तो हम भी आप लोगों की तरह बैठ जाए तो काम पर कौन जाएगा, पैसे कहां से आएंगे? परू बेटा मम्मी रो रही थी ना, जाओ मम्मी को बुला कर लो, चलो जल्दी। और तुम पहले खाना खाओ फिर पढ़ने बैठो, रात से मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, देखता हूं कैसे नहीं पढ़ते। 64 किसका स्क्वायर रूट होता नहीं पता, कल सब कुछ याद करके रखोगे, मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा ये चीज। अच्छा पढ़ाई बंद करो, ये लो। हाँ सर। गुड बाय बेटा, ऐसे ही मम्मी की हेल्प करा करो। घर भी सारा फिनिश होना चाहिए, तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया मैंने प्रीति से बोल के, चलो खाओ फटाफट। परी बेटा ये आपके लिए नहीं है, ये भैया के लिए, आप बॉयल राइस और दाल खाओ, चलो इतनी खाओ फटाफट। तबीयत तुम्हारी खराब है, तुम क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? मैं खा रही हूँ। अरे अरे बाबा खाओ ना, मैं दे रहा हूँ, चलो खाओ। तुम भी तो खाओ। हाँ हाँ मैं खा रहा हूँ, आप स्टार्ट करो पहले। मम्मा ये टेस्टी नहीं लग रहा। परू बेटा टेस्टी नहीं होता, खाओ इसे, कंप्लीट फिनिश करो इसे बेटा, और डांस क्लास मत जाओ, यही होता बेटा फिर। रोल तो प्रीति ने बहुत बढ़िया बनाया, बहुत टेस्टी बनाया। खाओ इसे फटाफट, फिनिश करो, तुम्हारे लिए पागलों को इतना रोल मैं बनवाती हूँ। कशिश 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 तुम छोड़ो इसे, परू कर लेगी। तो परू बेटा इधर आओ, चलो मम्मा की हेल्प करो, चलो चलो कशिश। पापा लेकिन आप भैया को भी तो बोलो। अरे देखा ना अभी क्या बोल रही, भैया को भी बोलो, अब उसमें लड़के ने खाना तो ढंग से खाया नहीं, मैं उसे क्या बोलूं? परू बेटा मम्मा के हेल्प करने के लिए बोला था ना मैंने, आपने क्या बोला था? हाँ मैं मम्मा की हेल्प करूंगी, चलो करो। आ जाओ कशिश, तुम्हारा करेगी, छोड़ो ना इतनी देर में, कर लेते कर लेगी वो, बड़ी हो गई अब, चलो चलो परू ध्यान से करना, नहीं हो तो मुझे बता देना बेटा। चलो बेटा स्टार्ट करो। दोनों बच्चे तो बहुत परेशान, परेशान तो मैं भी हूँ। नहीं करता पापा मुझे सारा काम बदल दिया, भैया को कोई कुछ नहीं कहता, काश मैं भी बोर होती या फिर फ्रेंड ना होती, कोई भी फ्रेंड को पसंद नहीं करता। काश मैं भी बोर होती तो मुझे भी अच्छा अच्छा खाना मिलता। परी परी बेटा क्या है, दिख रहा है ना भैया कितनी तबीयत खराब है, जनरली खराब है, आप फिर ये सब बातें खाए ना मैं अपने राइस और दाल, बेटा क्या चक्कर है ये, दिखाई दे रहा आपको मम्मा इतनी परेशान है, भैया की हालत देखो बेटा प्लीज। पर मुझे इसे डाइटिशियन के पास लेके जाना पड़ेगा, बेचारा मेरा बच्चा, किसी की नजर लगी मेरे बेटे को। बेटा आई एम सॉरी बेटा, मम्मा को नहीं पता था आपकी इतनी तबीयत खराब है, जरूर उस प्रीति ने अच्छे से चाप नहीं बनाई, मुझे तो लग रहा है उस चाप में कुछ प्रॉब्लम थी, सही नहीं बनाती औरत, मैं उसको निकाल दूंगी कल से। बेटा बड़ी आप खड़े क्या हो, जाओ देखो जाके पापा आए कि नहीं आए, एक दिन मत जाएगी मम्मा तुम्हें समझा समझा के। बेटा ठीक हो? मेरा बच्चा मम्मा
मेरी वजह से मेरी परी, मैं कितनी बुरी माँ हूँ मेरे। कुछ नहीं है कशिश, ऐसा कुछ भी नहीं है कशिश। बेचारी मैं आराम से सो रही थी, मेरे परी दसवीं मुझे खाना खा रही थी, मेरे परी। मैं बहुत बुरी माँ हूँ मेरे कशिश। मैं बहुत गलत हूँ, मैंने बहुत अपने परी को तंग किया है कशिश। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कशिश, इसमें मेरी भी गलती है कशिश। आज के बाद हम उन्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे कशिश, और मैं जितना उन बच्चों का कैलिबर है उनसे उतना ही काम कराएंगे। आज के बाद कभी परी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, मैंने उसे बहुत प्रेशर किया है, उससे बहुत बड़ी गलती हुई। हाँ कशिश, आज के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी परी। मैं बहुत बुरी माँ हूँ मेरी परी। कशिश कशिश शांत हो जाओ कशिश। आपको खाना खाना ना बेटा, मम्मा फिर जो आपकी पसंद का खाना सारा बनाएगी बेटा, आप कभी भी ऐसा मत करना बाबू। बेटा जी पापा, क्या कर रहे थे बेटा? टेबल याद कर रहे थे। बैठो बेटा, तुम भी खा लो, जितना मानो उतना ही खाना बेटा, ठीक है? अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है बेटा। इस टाइम पे हम फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे अब से, ठीक है? इस टाइम कोई टेबल वेबल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दिन में पढ़ाई करना। और आज के बाद हम लोग अपने बच्चों को कभी कंपेयर नहीं करेंगे, जैसे हमारे बच्चे हमें कभी कंपेयर नहीं करते। बच्चों के लिए माँ बाप हमेशा ऊपर होते हैं और आगे होते हैं, प्यारे भी होते हैं बहुत ज्यादा। और उसी तरह आज से हम माँ बाप के लिए भी बच्चे सबसे ऊपर है, इक्वल है, किसी से कंपेयर नहीं। आपको जो करना है लाइफ में आप हमसे डिस्कस करो, हम आपको गाइड करेंगे, बट आपको कभी प्रेशर नहीं करेंगे बेटा। और एक दूसरे के साथ हम लोग